ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जिसे अपने ही किडनैपर से प्यार हो जाता है। इसके बाद वो किडनैपर उसके साथ आगे क्या करता है या इस कहानी में कोई और ही ट्विस्ट है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। पर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे दूसरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म का नाम है किडनैपिंग स्टेला और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को शॉपिंग करते हुए देखते हैं। ये लोग ड्रिलिंग करने का सामान, कुछ रस्सियां और कमरे को साउंड प्रूफ करने का सामान खरीद रहे थे। घर आने के बाद ये लोग एक कमरे को पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाते हैं और वहां पर एक बेड भी रख देते हैं। इसके बाद वो दोनों अपनी वैन में जाते हैं और उसे भी साउंड प्रूफ कर देते हैं। अगले दिन वो दोनों एक लोकेशन पर जाकर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वहां से एक लड़की गुजरती है और वो दोनों अपनी वैन से उतरकर उस लड़की को किडनैप कर लेते हैं। इस लड़की का नाम स्टेला होता है और वो उसे वैन में ले जाकर उसके हाथ पैर और मुंह को बांध देते हैं। इसके बाद वो दोनों स्टेला को उसी रूम में लेके जाते हैं जिसे उन्होंने साउंड प्रूफ बनाया था। वो दोनों स्टेला को बेड से बांध देते हैं और उसके कपड़े उतारकर उसकी फोटोज क्लिक करने लगते हैं। फिर वो दोनों जबरदस्ती स्टेला को दूसरे कपड़े पहनाते हैं और उसे उस कमरे में बंद करके वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक किडनैपर स्टेला के पास आता है और उससे उसके डैड का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर मांगता है। वो किडनैपर उसको बोलता है कि वो लोग तुम्हारे बदले तुम्हारे डैड से बहुत सारे पैसे मांगेंगे और अगर तुम्हारे डैड ने पैसे दे दिए तो तुम सही सलामत अपने घर चली जाओगी। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। इनमें से एक किडनैपर जो ये काम पहली बार कर रहा था उसका नाम टॉम होता है और दूसरा किडनैपर जिसे इस काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था उसका नाम विक होता है। इसके बाद वो दोनों स्टेला के डैड को मेल करते हैं और उनसे स्टेला के बदले $2 मिलियन मांगते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं पर स्टेला के फादर का कोई भी जवाब नहीं आता। फिर विक टॉम को बोलता है कि हमें स्टेला को पानी और खाने के लिए कुछ देना होगा। इसके बाद विक स्टेला के पास जाता है और उसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें पानी पिलाने वाला हूँ जिसके लिए मैं तुम्हारे मुंह से इस पट्टी को हटाऊंगा। अगर तुम चिल्लाई तो हम तुम्हें बेहोश कर देंगे। स्टेला वहाँ इशारा करती है कि वो नहीं चिल्लाएगी पर विक जैसे ही उसके मुंह की पट्टी को हटाता है तो स्टेला जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख विक उसके मुंह को बंद करता है और उसे एक बार फिर बताता है कि ये करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पूरा कमरा साउंड प्रूफ है। फिर स्टेला को पानी पिलाने के बाद वो उसे बताता है कि उसे बाथरूम जाने के लिए एक नंबर या दो नंबर अपने हाथों से दिखाना होगा। तभी स्टेला एक नंबर दिखाती है, मतलब उसे टॉयलेट जाना था। पर तभी वो एक पॉट लेकर आता है और वो स्टेला को उसी के सामने ही टॉयलेट करने के लिए बोलता है। पहले तो स्टेला इसके लिए मना कर देती है पर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वो इतना डिस्टर्ब हो चुका था कि वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। पर विक जब ये देखता है तो वो टॉम को जबरदस्ती खाना खिलाने लगता है। इसके बाद विक उसे बोलता है कि अब ये सोचने का टाइम नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या गलत क्योंकि इस चीज की तैयारी हम बहुत टाइम से कर रहे हैं और अगर तुम्हारी बेवकूफी से स्टेला को हमारे बारे में पता चल गया तो हमको फिर से जेल जाना पड़ सकता है। फिर विक के बाहर आते ही टॉम स्टेला की फोटोज चेक करता है जिसे देखकर उसे स्टेला के लिए बहुत बुरा लगता है। और फिर जब वो स्टेला को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाता है तो वहाँ स्टेला उसे इशारा करती है कि उसको पॉटी जाना है। ये देखकर टॉम एक बाल्टी लेकर आता है और उसके हाथ पैर खोलकर उसे अपने सामने ही पॉटी करने के लिए बोलता है पर स्टेला उसे ऐसा करने से मना कर देती है इसलिए टॉम पीछे मुड़ जाता है। तभी स्टेला इसी मौके का फायदा उठाती है और एक बाल्टी उठाकर उसे टॉम पर हमला कर देती है। इस वजह से टॉम की बंदूक नीचे गिर जाती है और फिर स्टेला उस बंदूक को उठाकर टॉम की तरफ पॉइंट करती है और उसे उसकी हथकड़ी खोलने के लिए बोलती है। फिर टॉम जैसे ही उसकी हथकड़ी खोलता है तभी स्टेला उसको डराने के लिए गोली चलाती है और उसके मास्क को भी खींचकर उतार देती है। इसके बाद जब स्टेला टॉम का फेस देखती है तब हमें पता चलता है कि स्टेला पहले से ही टॉम को जानती थी और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे। फिर स्टेला के पूछने पर टॉम उसे बताता है कि जब वो जेल में था तो स्टेला उससे एक बार भी मिलने तक नहीं आई और तुमने मुझे अचानक छोड़ भी दिया इसलिए मैंने और विक ने मिलकर तुमको किडनैप करने का प्लान बनाया। ये सब बताते वक्त टॉम अचानक स्टेला पर कूद जाता है और उससे वो गन छीनकर उसे वापस बेड से बांध देता है। इसके बाद वो स्टेला को बोलता है कि अगर इस बारे में विक को पता चला तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। और इसके थोड़ी देर बाद विक भी वहाँ पर आ जाता है। फिर विक टॉम को बताता है कि स्टेला के फादर ने पैसे देने से मना कर दिया है इसलिए उन दोनों को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अगले दिन वो दोनों स्टेला के रूम में कैमरा लेके जाते हैं और विक स्टेला को बोलता है कि तुम्हारे फादर ने हमें पैसे देने से मना कर दिया है इसलिए अब हम तुम्हारी उंगली काट कर एक वीडियो बनाएंगे और उसे तुम्हारे फादर को भेजेंगे। पर ये सुनते ही स्टेला बहुत डर जाती है और उन्हें ऐसा करने से मना करती है। पर विक उसकी बात नहीं सुनता तो स्टेला उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर टॉम शॉक्ड हो जाता है और वो विक को उसकी उंगली काटने से मना कर देता है। वो बोलता है कि हमने इतना तो रिकॉर्ड कर ही लिया है कि इसके फादर पैसे देने के लिए राजी हो जाएंगे। इसके बाद विक जब स्टेला को खाना खिला रहा होता है तब स्टेला उसे बोलती है कि वो सिर्फ टॉम के हाथ से ही खाना चाहती है पर विक उसे मना कर देता है। वहीं टॉम की नजर उस बुलेट पर पड़ती है जो स्टेला ने उस पर चलाई थी। ये देखकर टॉम उसे उठाने की कोशिश करता है पर विक उसे उसकी जगह पर ही खड़े रहने के लिए बोलता है।
फिर जब स्टेला को खाना खिलाने के बाद कटोरी से चम्मच नीचे गिर जाता है, तभी टॉम उस चम्मच को उठाने के बहाने उस बुलेट को भी उठा लेता है। फिर वो टॉयलेट जाकर उस बुलेट को फ्लश करने की कोशिश करता है, पर वो बुलेट फ्लश हो ही नहीं रहा था। तभी फ्लश की आवाज सुनकर विक को शक होने लगता है, इसलिए पहले तो वो टॉम को आवाज लगाता है और उसके बाद वो सीधा बाथरूम के अंदर ही आ जाता है। पर उसी वक्त टॉम विक से बचने के लिए उस बुलेट को ही निगल जाता है। इसके बाद विक जब स्टेला के डैड को वीडियो भेजने के लिए बाहर जाता है, तब टॉम स्टेला के पास आता है और उसे पूछता है कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। तो उस पर स्टेला उसे बोलती है कि हाँ वो प्रेग्नेंट है और ये बच्चा भी तुम्हारा है। इसके बाद स्टेला को उल्टी आने लगती है, जिसे देखकर टॉम उसकी हथकड़ियों को खोल देता है। फिर टॉम को अपने करीब देखकर स्टेला उसे रिझाने की कोशिश करती है, और फिर जब टॉम का ध्यान नहीं होता तो वो चालाकी से टॉम को ही हथकड़ियों से बांध देती है। इसके बाद स्टेला बाहर जाने की कोशिश करती है, पर दरवाजे पर लॉक लगा हुआ था। ये देखकर वो टॉम के फोन से पुलिस को फोन करती है और उन्हें सारी बातें बता देती है। पर फिर जब पुलिस स्टेला से उसकी लोकेशन पूछती है तो स्टेला को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है। तभी स्टेला की नजर घर की चाबी पर पड़ती है, जिसको टॉम उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर स्टेला उसे उठाने जाती है, पर तभी टॉम उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे फिर से बेड से बांध देता है। थोड़ी देर बाद जब विक वहां पर आता है तो टॉम उसके सामने ऐसा दिखाता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर विक टॉम को बताता है कि स्टेला के डैड पैसे देने के लिए मान गए हैं, इसलिए उन्हें आज ही यहाँ से जाना होगा। ये सुनते ही टॉम बाहर जाकर वैन को रेडी करने लगता है, पर तभी उसे वहाँ पर स्टेला की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसको पढ़ने पर टॉम को यकीन हो जाता है कि स्टेला सच में प्रेग्नेंट है। दूसरी तरफ जब विक स्टेला को लेने जाता है तो उसे वहाँ पर टॉम का मोबाइल मिलता है, जिसको चेक करने पर उसे पता चलता है कि स्टेला ने पुलिस को फोन लगाया था। इसके साथ ही उसे वहाँ पर वो गोली भी मिल जाती है जिसे स्टेला ने टॉम पर चलाई थी। अब ये सब देखकर विक को वापस शक होने लगता है और फिर वो सच पता लगाने के लिए स्टेला को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब इससे स्टेला भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो विक को बता देती है कि टॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर विक को लगता है कि शायद टॉम ने उसका भी नाम उसे बता दिया होगा, इसलिए वो स्टेला से उसका नाम पूछता है। लेकिन स्टेला उसे बोलती है कि उसे उसका नाम नहीं पता। फिर जब टॉम वापस आता है तब विक उसे पूछता है कि आखिर तुमने स्टेला को ही किडनैप करने के लिए क्यों चुना। इस पर टॉम उसको बोलता है कि हम दोनों ने ही तो मिलकर स्टेला को किडनैप करने के लिए चुना था। इसके बाद विक टॉम को बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे से ऑनेस्ट रहना चाहिए और मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। इस पर टॉम उसे बोलता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। इसके बाद वो लोग स्टेला को बेहोश कर देते हैं और उसे एक दूसरी लोकेशन पर ले जाते हैं। वहाँ स्टेला को बांधते वक्त टॉम देखता है कि स्टेला के सिर पर चोट का निशान है, मतलब विक ने उसे मारा है। इसके बाद वो लोग स्टेला के डैड के पैसे लेने के लिए जंगल के अंदर जाते हैं, जहाँ पर टॉम देखता है कि वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं है। फिर टॉम ये बात विक को बताने के लिए उसके पास जाता है तो विक उसे बोलता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने पैसे लेने के लिए लोकेशन चेंज कर दी थी। ये बोलकर विक टॉम पर गन पॉइंट करता है, जिसे टॉम भी समझ जाता है कि विक को उसके और स्टेला के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो खुद ही अपने और स्टेला के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। फिर जब विक टॉम पर गोली चलाने ही वाला होता है, तभी टॉम उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। टॉम को भागता हुआ देखकर विक उस पर दूर से ही गोली मारता है और वो गोली टॉम को लग जाती है। पर जब विक उसको देखने के लिए उसके पास जाता है तो टॉम वहां से भाग जाता है। इसके बाद विक स्टेला के फादर से पैसे लेकर वापस स्टेला के पास आता है। यहां विक अब स्टेला को मारना चाहता था, इसलिए वो एक जहर से भरा हुआ इंजेक्शन लेकर उसे स्टेला को लगाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से टॉम आकर उस पर हमला कर देता है। अब क्योंकि विक के पास एक गन थी, इसलिए वो उस गन से टॉम को शूट कर देता है। फिर विक टॉम को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी स्टेला अपने पैरों से विक को नीचे गिरा देती है। इसी दौरान टॉम के हाथ में वो बंदूक लग जाती है और उसी वक्त वो विक को गोली मार देता है, जिससे विक की वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद टॉम विक की पॉकेट में से चाबी निकालकर उसे स्टेला को देता है, जिससे स्टेला खुद को छुड़ाकर आजाद हो जाती है। वहीं दो गोली लगने की वजह से टॉम बहुत ज्यादा घायल हो गया था, इसलिए उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद स्टेला वहां से निकलकर विक की कार में आकर बैठती है, जहां उसे वो पैसे मिलते हैं जो स्टेला के फादर ने उसे छुड़ाने के लिए दिए थे। अब उन पैसों को देखकर स्टेला ये डिसाइड करती है कि वो अब अपने घर वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत नफरत करती थी। इसलिए स्टेला ये फैसला करती है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी और इस बच्चे को भी जन्म देगी। और ये फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है।